हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ पार्ट हमने डेफिनेट इंटीग्रल के, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के करवाया था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to 4 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था ना कि अगर इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ एफ एक्स। ओके, ये होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x और 1 का 0। तो यहाँ पर 2 देके मैंने हाफ हटा लिया, यहाँ 2 डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ आ जाएगा। तो 4 पहले रखेंगे, 4 जो 16 प्लस 1 17, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो ये हो गया हाफ लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब लॉग ए बाई बी। ओके, लॉग ए बाई बी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अभी देख रहे हैं 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 5 जो 10x। अब यहाँ 2x है, तो एक काम करते हैं, हम इसको 10x बना देते हैं और 1/5 से 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 1/5 से मल्टीप्लाई। ओके, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ गया ना, 5x स्क्वायर का 2x, 2 5 जो 10x, 1 का 0। तो आंसर क्या होगा इंटीग्रेशन का, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो 0 to 1 आ गया। अब 1 अपर लिमिट रखेंगे तो 5 + 1 = 6 माइनस लॉग 1, लॉग 1 0 होता है, तो लॉग 6/5 आंसर हो गया ना। ओके, याद रखेंगे लॉग 1 0 होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स लॉग ऑफ 1 + 2x dx। तो आइलेट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे बाई पार्ट्स का, u रहा आइलेट फंक्शन में क्या होगा, लॉग u रहेगा, और x क्या हो गया हमारा v। तो लॉग 1 + 2x रहा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और ये सेपरेट इसका लिमिट ले लेंगे। ओके, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ना, लॉग ऑफ x का क्या होता है, 1/x, 1 + 2x, x के साथ में कोफिशिएंट क्या है, 2, वो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, और ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ लिखाता है ना, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx, ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, जिसको हमने आगे लिख दिया है एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ 1 + 2x 0 to 1 माइनस, फिर ये 0 to 1 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2x + 1। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा हो गया, डिनोमिनेटर का डिग्री कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड केस डिवाइड करेंगे ना, 2x + 1 को एक्स स्क्वायर को 2x + 1 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ का पहला कोफिशिएंट को बराबर करना है, एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 कट जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 बन जाए एक्स बाई 2, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, फिर माइनस एक्स बाई 2 उतर गया। अगर माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4, तो माइनस एक्स बाई 2, और माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4, तो ये प्लस 1/4। ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर है ना। जैसे अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 3 7 3 2 जा 6, ये आ गया हमारे पास 1। तो हम 7/3 को लिख सकते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, मतलब 2 + 1/3, एलसीएम लेंगे तो फिर से 7/3 आ जाएगा। तो ये आ गया, अभी इसका अपर लिमिट रख लो, 1 रखेंगे क्या होगा, 1/2, और ये 1 रखेंगे तो 3, लॉग 3 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 से तो ऐसे कैंसिल हो रही है ना, माइनस 0 to 1 हो गया। इसको लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय दिस। ओके, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 जो 4, 1/4 तो नंबर है, 1 नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/4 x हो जाएगा, 1/4 बाहर, और लॉग ये तो x ही की तरह है क्योंकि x का पावर 1 है, लॉग x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x, और x के साथ में जो नंबर है वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो 0 to 1 मतलब लिमिट अब सब्सटीट्यूट करेंगे, ये तो 1/2 लॉग 3, 1 जैसे करेंगे तो 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा ना, और ये लॉग 3 हो जाएगा। ओके, 0 करेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, और यहाँ 0 करेंगे तो लॉग 1 0, पूरा का पूरा फिनिश, तो ये कैंसिल हो गया, हाफ लॉग 3 माइनस 1/8 लॉग 3, ये आंसर हो गया, मतलब इसको ऐड कर लेंगे एलसीएम लेके तो 3/8 लॉग 3। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 इंटीग्रल dx बाई x इंटू 1 + x स्क्वायर।
अभी डिनोमिनेटर इसका देखो, इसका डिनोमिनेटर जो है फैक्टराइज फॉर्म में है, तो ऊपर में क्या इसको कैसे बनाएंगे, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 1 बाई x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, ये आ जाएगा a बाई एक्स, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसीलिए बी एक्स प्लस सी बाई 1 प्लस x स्क्वायर। एलसीएम भेज देंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये दोनों क्या होता था कैंसिल हो जाता था ना, ये एलसीएम होके ये इधर और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो पुट करेंगे x इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या बताया था कि कोई एक पार्ट को ऐसा ज़ीरो करना है कि दूसरे का वैल्यू आ जाए, यहाँ पर मेरा टारगेट है ए बी और सी का वैल्यू को निकालना, पार्शियल फ्रैक्शन में मेन मेथड यही है। तो x इक्वल टू ज़ीरो किया तो यहाँ से आ गया ए, x ज़ीरो करने से ये ख़त्म, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में तो x स्क्वायर है ही नहीं तो वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट साइड में x स्क्वायर के साथ में कौन है a, यहाँ पर x स्क्वायर आएगा bx एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर तो प्लस b, तो b इज इक्वल टू माइनस a, b इज इक्वल टू माइनस a, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, a का वैल्यू है मेरे पास 1। अब इक्वेट कर लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में क्या है, अच्छा इक्वेट कर लेते हैं कोफिशियंट ऑफ x, x का कोफिशियंट क्या है लेफ्ट साइड में, नहीं है तो ज़ीरो है, x का कोफिशियंट यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं सी एक्स दिख रहा है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ज़ीरो है ना, लेफ्ट साइड में तो नहीं है और इधर से c है, तो c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a b और c के वैल्यू पता चल गए, अब a b c का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देंगे, बाद में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, तो फ्रॉम 1 से 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a का वैल्यू 1 बाई एक्स, b का वैल्यू माइनस 1 एक्स, c का वैल्यू 0, ये तो ख़त्म हो गया, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये dx बाई एक्स, ये माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अभी हमने इंटीग्रेशन बताया था dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, और यहाँ देखो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, तो यहाँ 2 दे के हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमिनेटर में अवेलेबल है। अब क्या करना है नेक्स्ट काम, नेक्स्ट काम हमारा है लिमिट लेना, लोअर लिमिट 1 to 2 है, क्वेश्चन बोला ना 1 to 2 में रहने के लिए, लिमिट क्या बोला 1 to 2, फाइनल में आंसर में 1 to 2 चला दो, लिमिट 1 to 2 दे देंगे तो आंसर, इसके आंसर को भी 1 to 2 दे देंगे, तो log 2 माइनस log 1 माइनस हाफ, फिर इसमें 1 to 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस 1 रख देंगे तो log 2 ये आ जाएगा, log 2 log 1 तो 0 होता है, log 2 माइनस हाफ, ये log 5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हाफ log 2, तो 1 log 2 प्लस हाफ log 2 क्या होगा 3 बाई 2 log 2 होगा, अरे भाई x प्लस 1 बाई 2 x क्या होता है, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस x बाई 3 2 ना, मतलब 3x बाई 2 ना, ऐसा होता है कि नहीं, तो ये इसी तरीके से 1 log 2 प्लस हाफ log 2 3 बाई 2 log 2 माइनस हाफ log 5, ओके ये हो गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंटीग्रेट 0 to ∞ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में है इसीलिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाएंगे, ये डायरेक्ट भी एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि इसका डिग्री बराबर है, ठीक है ना, 0 to ∞ है, तो हम लोग आई को ऐसे लिख सकते हैं, आई को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये तो आ ही जाएगा, एलसीएम लेने से ना ये दोनों आ जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में 1 आना चाहिए तो उसको बैलेंस करेंगे, जब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये दोनों तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो इसको इधर भेजेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, और ऊपर में अभी क्या आना चाहिए यहाँ पर 1, तो हम लोग क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो टर्म मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए इंटीग्रेशन को, तो ये आ गया 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता है ना 1 बाई ए टैन इनवर्स x बाई ए, लिमिट लगा देंगे, नंबर पे तो लगना क्या नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी ये भी हो जाएगा 1 बाई बी टैन इनवर्स x बाई बी 0 to ∞। अभी अपर लिमिट लगाओ, इन्फिनिटी लगाएंगे तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, और 0 में तो ख़त्म हो जाता है ना, यहाँ भी इन्फिनिटी लगाएंगे टैन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 1 बाई बी पाई बाई 2। अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 2ab एलसीएम आएगा ना, 2 तो अच्छा पाई बाई 2 बाहर आ रहा ना, पाई बाई 2 बाहर आ गया, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया मैंने, और एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा बी माइनस ए बाई ए बी है ना। अभी इसको क्या करो पाई बाई 2, ये बी प्लस ए बी माइनस है, और ये क्या हो गया एलसीएम में बी माइनस ए बाई ए बी, बी माइनस ए बी माइनस ए कैलसीएम, और कुछ कट रहा है नहीं, पाई बाई ये क्या होगा 2ab इंटू ए प्लस बी, ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसी तरीके से क्वेश्चन और भी है, ये भी इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं हम लोग है ना, कि इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं। एक काम करते हैं, लिमिट छोड़ देते हैं ना, लिमिट छोड़ के भी बना सकते हैं, बाद में आंसर में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट आई वन इजिकल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो सब्स्टिट्यूशन होगा पुट करेंगे x इजिकल टू हमेशा मैक्सिमम टाइम्स tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा पुट कर लो, dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, i इजिकल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो साइन इनवर्स है, ये फार्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन साइन खत्म, इनवर्स साइन इनवर्स साइन खत्म, ये 2 बाहर और ये थीटा sec स्क्वायर थीटा, इसको x sec स्क्वायर x मानो, तो u इंटू v होगा, थीटा रहा तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, ठीक है। थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा प्लस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log ऑफ cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log ऑफ cos थीटा। 2 tan थीटा का वैल्यू मैंने क्या डाला, x थीटा, जब x इज इक्वल टू मैंने tan थीटा रखा है तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x होगा ना, ठीक है। तो थीटा की जगह tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह x, आगे पीछे लिखा होगा log cos थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से tan थीटा क्या है x बाई 1, p बाई b है ना, p यहाँ ये b, तो हम लोग h निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेनियस क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से हम cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, cos थीटा क्या होगा b बाई एच, बी एल एच एल है ना, p बाई बी दिया हो ना, नाइन क्लास 9-10 में ये सब बनाते हैं, tan थीटा का वैल्यू अगर x है तो नीचे तो 1 है, तो p बाई बी, तो h निकाल सकते हैं, cos थीटा क्या होता है b बाई एच, ये रख दिया मैंने है ना, तो ये हो गया। अब लिमिट रखना फाइनल, i इधर i बन जाएगा क्योंकि उतने देर से क्या बनना चल रहा था बिना लिमिट का i1, अभी क्या बन जाएगा ये i, क्योंकि लिमिट ले लिया मैंने 0 से 1 फाइनल। तो 2 1 रख देंगे तो 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, 0 में तो ख़त्म हो रहा है, प्लस यहाँ 1 रख देंगे तो log ऑफ 1 बाई रूट 2, और 0 में तो log 1 0 हो रहा है, तो ये कटेगा तो पाई बाई 2 प्लस ये 2 अंदर आ जाएगा, और ये 2 का पावर माइनस हाफ, आगे कर दो इसको प्लस माइनस माइनस 2 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई बाई 2 माइनस log 2। आई होप समझ में आ गया होगा ना, ओके, थैंक यू।